रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अरुणाचल, नदी में गिरी सेना की गाड़ी, 3 जवानों की मौत, 4 घायल। अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी असंतुलित होकर नदी में गिर पड़ी। इम्फाल दुमदुमा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिवांग वैली जिले के इडोली बस्ती के पास सड़क हादसे में सेना के 3 जवानों की मौत हो गई। यह हादसा देर रात 2:30 बजे हुआ, जब कुंडिल नदी पर बने पुल से गुजरता सेना का वाहन नदी में जा गिरा। जानकारी के अनुसार सेना द्वारा गश्त लगाने के दौरान ये हादसा हुआ। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिवांग जिले के संरक्षित वन अंचल में आतंकवादी गतिविधियों की तलाशी के लिए रात 2 बजे सदिया के चापा खोवा स्थित मद्रास रेजिमेंट के 13 जनाब व सेना के अधिकारी रवाना हुए थे। रात 2:30 बजे इडोली बस्ती में कुंडिल नदी पर बने पुल को पार करते वक्त चालक नियंत्रण खो दिया। ऐसे में वाहन कई फुट नीचे नदी में गिर गया। इस हादसे में हवलदार सलुआ कुमार 35, बी अमरनाथ 27 एवं परशुराम 28 की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद दिनजान स्थित सेना के दाव डिवीजन 1-1 बचाव दल मौके पर पहुंचा। अभी तक परशुराम और बी अमरनाथ का शव बरामद कर लिया गया है। रविवार को असम के तिनसुकिया जिले से मद्रास रेजिमेंट टेरिटोरियल आर्मी के 18 जवानों को ले जा रही गाड़ी इदुली व कबांग गांव के बीच अचानक फिसल गई और असंतुलित होकर कुंडिल नदी में गिर पड़ी। 15 जवानों को नदी से सुरक्षित निकाला गया, इसमें से 4 घायल जवानों को इलाज के लिए चापा खोवा के प्रथम रेफरल यूनिट में भर्ती कराया गया है। सेना के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव अभियान चला रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि 2 जवानों की बॉडी रिकवर की गई है, जबकि 1 जवान लापता है। खोज जारी है और इस कार्य में NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी मदद ली जा रही है।